हेलो नमस्कार, मैं दिन अग्रवाल कक्षा 12 पे डे 181 में, जिसमें हमने व्यक्तिकरण पढ़ लिया था। आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसे पिछली क्लास में हमने 180 में किया था, यंग का द्विरेखा चित्र प्रयोग, उसी से संबंधित ये बात है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिंज चौड़ाई, यानी व्यक्तिकरण ही चल रहा है अभी। और ये जो टॉपिक है, ये बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। जैसा कि पता है, मैं बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर जो रे ऑप्टिक्स है उसमें से भी, उसके अथवा में से आते हैं, इसमें से भी, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उनमें से हमने एक व्यतिकरण की बात की थी। सबसे पहले हाइगेंस के जो तरंग सिद्धांत से अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद अब बात करते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो तीन टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो फ्रिंज चौड़ाई है क्या। फ्रिंज चौड़ाई हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या बात की थी कि उसमें चमकीली और काली फ्रिंज बनती है। फ्रिंज का मतलब पट्टियां दिखाई देती है, चमकीली और काली, उनको ही फ्रिंज बोलते हैं। तो दो लगातार काली फ्रिंजों के बीच की, जैसे एक मान लो ये है, दूसरी ये है, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस आ गई, ये जो चौड़ाई है इसको कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दो लगातार काली फ्रिंजों के बीच की दूरी या दो लगातार चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, दो क्रमागत चमकीली या काली, या दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। इसे बीटा से लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बढ़ते हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है इसमें से। ये तो हमें पूरा डेराइव करना होता है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए कहा जाता है, फ्रिंज चौड़ाई को परिभाषित करते हुए फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमें फॉर्मूला डेराइव करना है कंप्लीट, लास्ट तक कैसे सॉल्व करना है उसको, ये ध्यान रखना है। दो लगातार चमकीली हो या दो लगातार काली हो, काली है तो दोनों काली देखनी है, चमकीली है तो चमकीली देखनी है। हम दोनों के लिए डेराइव करेंगे फॉर्मूला क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, सारी बातें मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या माना, S1 व S2 दो स्लिट है, दो रेखा छिद्र है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। स्मॉल डी लेते हैं बीच की दूरी, जैसा हमने उस एक्सपेरिमेंट में भी लिया था, पर्दे की दूरी कैपिटल डी है, ठीक है। ये वो बातें जो हम मान के चल रहे हैं। इनके सामने मध्य बिंदु ओ होगा, जहां पर दोनों समान कला में पहुंचेगी, वहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ये बातें आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पहले उसके अंदर लिख चुके हैं प्रयोग में, या हमें इसको डेराइव करके प्रूफ करके बताना है। तो इनिशियल चीजें, इतनी चीजें तो आपको बतानी है कि जो सिंबल हम ले रहे हैं उन सिंबल्स का मतलब क्या है, एक तो क्लियर। दूसरा, जो बात आप सिद्ध करना चाह रहे हैं वो है क्या, फ्रिंज चौड़ाई सिद्ध करना चाह रहे हैं तो फ्रिंज चौड़ाई है क्या, उसको डिफाइन करना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर कोई एक स्लिट है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, वैसे बढ़ा देता हूँ मैं फिर से, एस है। अब इस एस का काम नहीं है, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या होता है, इससे जाने वाला प्रकाश आगे दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो फिर वही अध्यारोपित होता है एक दूसरे का, इसलिए एक दूसरे पर, इसलिए इसको न बढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये S1 पॉइंट है और ये S2 पॉइंट है, ठीक है। इसके जो बीच की जो दूरी है, ये दूरी है स्मॉल डी। ये सारी बातें वही ले रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट में हमने ली थी। इसके सामने ये रखा है पर्दा, स्क्रीन, जहां पर हमें व्यतिकरण प्रतिरोध प्राप्त होने वाला है, क्लियर। इसके सामने यहां से मध्य बिंदु पर देखें तो ये इसके सामने ये पॉइंट है ओ। यहाँ पर यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण समान कला में अध्यारोपित होती है,
परिणामी तरंग की आयाम अधिकतम होता है, आयाम अधिकतम होता है तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, इसलिए यहाँ पर जो भाग प्राप्त होता है वो चमकीला भाग, यहाँ पर प्रकाश दिखाई देता है, इसलिए इसे केंद्रीय उच्छिष्ट सेंटर में होता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्छिष्ट, ठीक है, मैक्सिमा, मैक्सिमा कहते हैं इसे, मैक्सिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। अब इसके ऊपर और नीचे डिपेंड करेगा कि कालांतर कितना है, कहाँ कितना कालांतर है, पथांतर कितना है, उन बातों पे डिपेंड करेगा इसका मान कि वहां संपोषी होगा या विनाशी होगा। दो स्थिति है, ये अगर सेम कला में हो सकता है विपरीत कला में हो सकता है, सेम कला में होगा तो संपोषी, विपरीत में होगा तो विनाशी। उसके लिए हम कालांतर पथांतर पहले पढ़ चुके हैं, उनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, उससे पहले हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, केवल हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर होता है, बस इतनी बात चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए अपने। यहाँ मान लेते हैं कि ये वो बिंदु P है, P का मतलब ये बिंदु है ऐसा है जहां पर अध्यारोपित हो रही है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण भी और यहाँ से चलने वाली। अब ये P बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा पथांतर पे, कालांतर पे, ये कहीं पर भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे कॉमन मान लेते हैं, कहीं पर भी मान सकते हैं। ये जो दूरी है वो बिंदु O से ले रहे हैं, वो कितना है विस्थापन है, वाई है, केंद्र तो पता है उच्छिष्ट होगा, यहाँ से विस्थापन कितना है, वाई है, ध्यान से समझ रहे हैं इसे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है ज्यादा। ये पर्दे की दूरी है कितनी है, कैपिटल डी है। जब देखो ये मध्य बिंदु है तो ये इतनी जो दूरी है वो क्या हो गई, डी बाई टू हो गई, इधर से ये जो दूरी है वो भी क्या हो गई, डी बाय आधी आधी हो गई ना, डी बटे दो ये हो गई, डी बटे दो ये हो गई। यहाँ से जो प्रकाश किरण पहुंचेगी वो इतना पथ तय करके पहुंचेगी, यहाँ से जो प्रकाश किरण पहुंचेगी वो इतना पथ तय करके पहुंचेगी। इसका विस्थापन मान लेते हैं x है, इसका मान लेते हैं x प्लस डेल्टा x है, क्यों है x प्लस डेल्टा x, दिख रहा है कि ये इसकी पथ कम है, इसका पथ ज्यादा है, तो x की तुलना में क्या होगा, ज्यादा ही होगा, इसका मान ज्यादा ही होगा, क्लियर। अब ये कहें तो डेल्टा x, वैसे जरूरत नहीं है डेल्टा x निकालें तो कैसे होगा, कैसे निकालें, यहाँ से सामने वाली भुजा पे क्या करो, लंब डाल दो इस पॉइंट पे, तो ये इतना जो भाग आएगा वो क्या आ गया, इसके आगे की तो बराबर हो गई है, लंब डाल दिया ना, तो इसके आगे तो क्या हो गई है, बराबर हो गई। अब यहाँ क्या है, इतना जो भाग है वो एक्स्ट्रा है, ये डेल्टा x है, और डेल्टा x क्या होगा, इन दोनों के पथ में अंतर, पथ में अंतर आएगा ना, ज्यादा में से कम घटा दो, x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, क्या आया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या हुआ, पथांतर। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए हम क्या सोल्व कर रहे हैं, पथांतर सोल्व कर रहे हैं, क्लियर। तो जब पथांतर सोल्व कर रहे हैं तो लास्ट में हम जब संपोषी व्यतिकरण की स्थिति लेंगे उसमें क्या पुट करेंगे, पथांतर की जगह पथांतर का मान पुट करेंगे, संपोषी के लिए क्या होता है एन लैम्डा होता है वो पुट कर देंगे, जब विनाशी की बात करेंगे तो विनाशी के लिए 2n plus 1 into lambda by 2 होता है, वो पता होना चाहिए हमें कि पथांतर संपोषी और विनाशी में क्या होता है, तो वो पुट करेंगे, क्लियर। फिर हम उसको क्लियरिफाई कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे उसका, कि विनाशी के लिए अलग है तो अलग रिजल्ट आएगा, संपोषी के लिए अलग है तो अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर हम उनमें अंतर निकाल लेंगे, दो लगातार बिंदुओं के बीच की दूरी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, हम कैसे कैसे जाना है, हमें निकालना पथांतर, पथांतर क्या है डेल्टा एक्स, और कैसे आया डेल्टा एक्स, इस दूरी में से इस दूरी को घटा दिया तभी तो आया, इसका मतलब एस टू पी में से क्या घटा दिया, एस वन पी घटा दिया, क्लियर। आगे बात समझ में, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बिंदु पी पर अध्यारोपित होने वाले तरंगों में पथांतर जो क्या मान रहे हैं हम, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, एस टू पी माइनस एस वन पी, इसमें हमें क्या करना है, दोनों मान रखने हैं एस टू पी और, अब एस टू पी का मान कैसे निकाले और एस वन पी का मान, देखो ये रहा एस टू, इसका मान कैसे निकाल रहे हैं, इससे सामने वाली भुजा पे मिलाते इसे, इसे पॉइंट मान लेते हैं बी, ठीक है, ए मान लो बी मान लो, इसको भी मिलाएंगे, इसको ये मान लिया, किसी को भी मान लिया,
ठीक है बी। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी एस टू बी, क्लियर, जो किसके बराबर आएगी, देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है एस टू बी पी, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना है, वो डी है हमारे पास, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो डी है हमारे पास, और लंब निकालना है, तो इतने में से इतना और जोड़ देंगे इसके साथ, और ये किसके बराबर है, ये डी बाय टू के बराबर है, तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना हो गया y प्लस डी बाय टू, एक वैल्यू आप समझ लें, तो दूसरी वैल्यू को भी जब इसको निकालेंगे तो हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्योंकि जब हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हम दूसरी भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम रहेंगे, समझ रहे की बात। तो यहां से एस टू बी का मान क्या निकालेंगे, एस टू बी प्लस बी से पी, इसके लिए क्या करो वाई प्लस ये वैल्यू एड कर दो, और ये वैल्यू कितनी है इस डी की आधी है, तो डी बाई टू, तो इसका मान क्या हो गया वाई प्लस डी बाई टू, तो ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो किससे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले एस टू बी पी से, क्या आया एस टू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस टू बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, यहां से देखें तो ये एस टू बी का जो मान है वो क्या है डी है, डी स्क्वायर प्लस बी पी का मान क्या है वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे आया, पता चल गया ना, ये इतना मान क्या है, ये जो मान है वो वाई सॉरी डी बाय टू है, ये मान डी बाय टू, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो BP इज इक्वल टू क्या आएगा y प्लस डी बाई टू, क्या आएगा y प्लस डी बाई टू, आगे समझ में। अब इसको सोल्व करना है थोड़ा सा हमें, ये देखो किसका मान है होल स्क्वायर है, जब एस टू पी निकालेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर एक बटा दो, पावर आधी, ये होता है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, फिर इसी के अनुसार रिजल्ट लेंगे, इसमें से क्या करें डी स्क्वायर को बाहर निकाल लें, जिसको कॉमन लेते हैं उसका पूरी समीकरण में भाग जाता है, डी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो किससे बाहर आएगा, ये ऊपर देखो पावर एक बटा दो है, डी की पावर दो है ना, एक बटा दो से गुणा करेंगे दो से दो कट गया, यानी सीधा हमें पता है डी स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो डी बचेगा, तो यहां से बाहर निकाल लो इसको डी, यहां डी स्क्वायर में डी स्क्वायर का भाग दिया वन, यहां क्या दिया वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये बाहर डी क्यों आया, क्योंकि ऊपर क्या है पावर एक बटा दो है, तो अंदर तो अंडर रूट है ही, लेकिन बाहर अंडर रूट से बाहर आ गया, इसीलिए डी स्क्वायर का डी बच गया, अंदर ऐसा नहीं है बाहर डी निकला तो अंदर भी डी का भाग दे देंगे, अंदर डी डी स्क्वायर ही रहेगा अंदर, क्योंकि अंदर तो क्या वैल्यू है वर्गमूल के अंदर। अब देखो यहां एक प्रमेय लग रही है जिसको कहते हैं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस आगे भी वैल्यू आती है फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो हमें आगे की वैल्यू नहीं चाहिए, उच्च घातों के पदों को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स, इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरह से कोई स्टेप लिखा हो, पहला स्टेप 1 होना चाहिए, क्लियर, पहला स्टेप 1 होना चाहिए, 1 बनाने के लिए हमने डी स्क्वायर से वो बाहर निकाला था, दूसरा स्टेप कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो सकती है, तो पहला वन हो गया, दूसरा ये पूरा एक्स हो गया और एन की जगह क्या आ गया वन बाय टू, तो रिजल्ट क्या होगा इस स्थिति में वन प्लस एन एक्स, इसका मतलब पावर जो होती है सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई हो जाती है, वन बाय टू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अतः एस टू पी का जो मान है वो आएगा एस टू पी इज इक्वल टू डी बार, ऐसा कैसा 1 प्लस ये 1 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर इनटू y प्लस डी बाय 2 का होल स्क्वायर, डी का आंसर मल्टीप्लाई अब कर दो, ये हमने बाहर क्यों निकाला था, इस पावर को हटाने के लिए निकाला था, क्योंकि जब बाहर निकालेंगे तो पहला स्टेप 1 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी द्विपद प्रमेय लग जाएगी, उसके बाद में लग गई वो सॉल्व हो गया तो पावर हट गई, अब डी का वापिस अंदर गुणा कर दो, ठीक है, तो यहां से एस टू पी का जो मान आया वो क्या आया डी का अंदर गुणा कर दें डी प्लस ये डी से एक पावर कट जाएगी वन अपॉन टू डी वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर,
अब देखो ये बात समझ में आ गई तो ये सारा ही हो गया फिर। वैसे तो कुछ इतनी खास बात है नहीं इसके अंदर, एक हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लें। अब हमें दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें एक मान और निकालना है, कौन सा, एस वन पी। अब देखो एस वन पी यहाँ है, ये है, इससे बिल्कुल सामने वाले भुजा पे सीधा मिला दें इसको, लब डाल दें, तो ये तो हो गया 90 डिग्री का कोण इस बिंदु को मान लेते ए। तो त्रिभुज कौन सा बड़ा, एस वन ए पी, ये तो बड़ा। ये हमें याद करना है, ये भुजा तो वही है डी है, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं, लेकिन ये चेंज हो गया। अब हमें दूरी चाहिए इतनी, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इतनी तो है वाई, और वाई में से इतनी एक्स्ट्रा इसको घटा दे, और ये घटाएंगे कितनी घटाएंगे, इतनी तो है ना, ये ऊपर वाली भी इतनी है, देखो डी बाई टू, तो ये भी कितनी है। तो देखो परिवर्तन क्या आ रहा है, परिवर्तन क्या आ रहा है, जो दूरी ये आई थी वाई प्लस डी बाई टू, वो इतनी दूरी क्या आएगी यहां वाली वाई माइनस डी बाय, क्लियर। सूत्र तो वही लगेगा, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, तो मान तो वही आएगा डी स्क्वायर प्लस, लेकिन यहां वाई प्लस डी बाई टू की जगह क्या हो जाएगा, तो यहां वाई माइनस आएगा। अब इसका तो देखो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो ऐसे कैसे चल रहा है, आगे के स्टेप में कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, किसमें, इसमें वाई माइनस डी बाई टू में, ठीक है, बाकी वैल्यू ऐसी कैसी आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज एस वन ए पी से क्या आ जाएगा, एस वन पी का मान आएगा डी प्लस वन अपॉन टू डी इंटू वाई माइनस डी बाई टू का, क्लियर। तो अगर एक हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो जब दूसरी सॉल्व करने लगे तो वो भी निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके कोई अलग से कोई नंबर नहीं है क्योंकि अभी कैलकुलेशन अभी आगे भी करनी है। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो और सोल्व करना चाहे तो सोल्व भी, किसी को कन्फ्यूजन है तो सोल्व भी करके देख सकते हो, एक बार तो आप हल करके देख लें तो ध्यान भी रह जाएगा और हमें सॉल्यूशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे करना है। बाकी मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार इसको जरूर करके देख लें। इसी प्रकार कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज एस वन ए पी से क्या आएगा, एस वन पी का मान आएगा डी प्लस वन अपॉन टू डी वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब समीकरण दो व तीन के मान किस में रख दे, किस में रख दे, एक में रख दे, ठीक है। समीकरण दो व तीन के मान एक में रख दे तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो रखना है एस टू पी का मान, ये रहा एस टू पी का मान, वाई क्या है ये रहा डी प्लस वन बाय टू डी वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, फिर ये जब बाहर माइनस है तो अंदर की निशान बदल जाते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू डी वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो डी से डी कट गया, वन अपॉन टू डी कॉमन आ गया दोनों में, क्या बचा ब्रैकेट में वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये बचा। देखो ये दो सूत्र लग रहे हैं सिंपल से, कौन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है ना, बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बस प्लस वाले में प्लस ए टू ए बी आएगा, माइनस वाले में माइनस टू ए बी, दोनों वैल्यू आपको कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन टू डी ब्रेकेट, इसको सोल्व करें, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा डी स्क्वायर बाय फोर, डी का भी स्क्वायर करना डिवाइड बाय टू का भी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए का मान वाई है और बी का मान डी बाय टू है, तो टू से टू कट गया क्या आया प्लस वाई डी। अब देखो ये वन अपॉन टू डी तो बाहर निकाल ही रखे, यहां माइनस है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वही डी स्क्वायर बाय फोर माइनस टू वाई डी, सॉरी वाई डी, टू से टू कट जाएगा वाई डी, लेकिन अब बाहर माइनस है तो ये प्लस वाले तो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाला
आप चाहे तो दो स्टेप में लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर खोल दें, बाद में छोटा ब्रैकेट जो उसको हटा दें, तो अंतर माइनस से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन रहे तो वैसे करके देख लें, वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई डी, ये हो जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बाई फोर से डी स्क्वायर बाई फोर कट गया, वाई डी और वाई डी कितना हो गया 2yd, दो गए ना एक और एक, तो क्या आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2d मल्टीप्लाई 2yd, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ गया yd अपॉन कैपिटल d, समीकरण नंबर दे दो इसको 4। ये तो गया इतना काम, पथांतर आया अभी, तो अभी ने तो संपोषी व्यतिकरण लगाया हमने, नहीं विनाश। अब आगे हमें कुछ खास नहीं करना है, आगे हमें जो पहले हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा अप्लाई करना है बस, हमें ये ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, S1P और S2P के मान निकालने हैं, फिर किस में रखने हैं या रखने हैं, कैलकुलेशन करनी है, दिक्कत आए तो आप इनको दो स्टेप बीच में और बढ़ा दो जहाँ दिक्कत आ रही है, कि आपने 1 अपॉन 2d कॉमन लिया, एक बार ये लिख लो माइनस ये, फिर इसका स्क्वायर खोल लो माइनस इसका स्क्वायर खोल लो, ठीक है ब्रैकेट में रख लो, बाद में ब्रैकेट हटा दो, एक स्टेप बढ़ा दो अगर कंफ्यूजन होती है। अब देखो अब लगाते हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, बस दो चीजें अप्लाई करनी है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है एल लैम्डा। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए, बस ये बात यहां पता होनी चाहिए कि पथांतर क्या होता है एन लैम्डा होता है, क्या होता है एन लैम्डा। तो यहां से वैल्यू पुट कर दें हम इसमें समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या आएगा वाई डी अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा, हमें निकालना है विस्थापन, क्योंकि क्या होता है देखो ये सबसे पहले परिभाषा इसलिए लिखी है यहाँ कि लगातार काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, चौड़ाई क्या होती है दूरी होती है, ठीक है दूरी विस्थापन, तो हमें क्या निकालना है विस्थापन, फिर हम एन का मान एक रखेंगे तो पहली तरंग के लिए आ जाएगा, पहली फ्रिंज के लिए, दो रखेंगे तो दूसरी के लिए, और फिर दूसरी में से पहली की घटा दो, ठीक है। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा d n लैम्डा अपॉन स्मॉल d गुणा में, तो किस में आ जाएगा भाग में, समीकरण नंबर देने से 5। अब ये जो समीकरण 5 है ये ध्यान रखना आपको किसकी समीकरण है, यहां n आ रहा है n का मतलब nवीं फ्रिंज, कि n का मान 1 होगा तो पहली फ्रिंज, 2 होगा तो दूसरी फ्रिंज, 3 होगा तो तीसरी फ्रिंज, 50 होगा तो, ठीक है अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए 50वीं फ्रिंज के लिए विस्थापन का मान क्या होगा, तो इसका n का मान 50 रख दो, 50 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, क्लियर ठीक है। अगर n का मान दे दिया जाए कंफ्यूज नहीं होना है हमें, n की फॉर्म में है ये, तो ये समीकरण क्या बता रही है समीकरण 5 nवीं, देखो संपोषी है तो कैसी फ्रिंज बढ़ेगी चमकीली दीप्त, ठीक है एनवी चमकीली या क्या कहते हैं इसको डिप्ट कहते हैं, डिप्ट फ्रिंज के विस्थापन को व्यक्त करती है। अब हमें पता है कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, चाहो तो दोबारा लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम केवल किसको सोल्व कर रहे हैं चमकीली फ्रिंज, इसलिए डिफरेंस किसके लिए आएगा चमकीली फ्रिंज के विस्थापन, सूत्र भी ध्यान रखें किसका, ये चमकीली काली फ्रिंज का नहीं है, बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि चमकीली और काली फ्रिंज के लिए सूत्र एक जैसे ही आता है फ्रिंज चौड़ाएगा, ठीक है यानी दोनों के बीच का अंतर ले, काली का अंतर ले लगातार का तो भी वही आएगा, चमकीली के लिए ले तो भी वही आएगा, लेकिन एनवें पदों के रूप में अगर लेंगे तो इसका मान अलग होगा उसका मान अलग होगा, क्योंकि इसका पथांतर अलग होता है उसका पथांतर अलग होता है, ठीक है डेराइव करना है अगर कहा जाए तो यहां से क्या आएगा
एन बराबर एक के लिए क्या होगा, प्रथम फ्रिंज, प्रथम कौन सी फ्रिंज, प्रथम चमकीली फ्रिंज के लिए क्या है विस्थापन, इसको मान लेते हैं वाई वन, तो एन का मान एक रख देंगे, एक रखेंगे तो क्या आएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, याद आएगा समीकरण नंबर छह। एन बराबर दो के लिए दूसरी चमकीली फ्रिंज के लिए, दूसरी चमकीली फ्रिंज के लिए क्या आएगा एन बराबर दो, तो वाई टू बराबर क्या आएगा एन का मान दो रख देंगे, टू डी लैम्डा अपॉन डी। अब क्या आएगा फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, लगातार चमकीली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, तो ये पहली फ्रिंज की है विस्थापन, ये दूसरी का विस्थापन, दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे पता चल जाएगा कितनी चौड़ाई की फ्रिंज है, इसलिए क्या आ जाएगा फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर क्या आएगी वाई टू माइनस, तो बीटा बराबर वाई टू का मान रखो टू डी लैम्डा अपॉन डी माइनस डी लैम्डा अपॉन डी, तो ये तो दो है दो डी लैम्डा अपॉन डी, ये एक है दो में से एक गया कितना बचा, चाहो तो वैसे देख लो डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ क्या बचा दो माइनस एक, एक आ गया ना, तो क्या आ गया बीटा इज इक्वल टू, इसके रिजल्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना ये समीकरण नंबर सात और ये रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान किस बात पे निर्भर करता है, तीन बातों पर निर्भर करता है, किस किस बात पे, एक तो पर्दे की दूरी पे, इसके समानुपाती है, देखो ज्यादा फ्रिंज चौड़ाई कब समझ में आएगी, फ्रिंज कब, जब उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी तब पता चलेगा अब ये चमकीली है ये काली है, ज्यादा चौड़ाई होगी तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा, बिल्कुल बारीक बारीक होगी तो पता नहीं चलेगा कहां चमकीली है कहां। तो अच्छी व्यक्तिकरण के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होनी चाहिए, पहली बात तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सीधे हम ध्यान रख सकते हैं, पहली बात तो फ्रिंज चौड़ाई स्पष्ट व्यक्तिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए फ्रिंज चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एक बात ज्यादा होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ज्यादा होने के लिए देखो किस किस के समानुपाती है, बीटा का मान डी के समानुपाती है, कैपिटल डी, कैपिटल डी कौन सी दूरी है पर्दे की दूरी है, इसका मतलब पर्दा ज्यादा दूरी पे होना चाहिए, बिल्कुल पास नहीं रखना है, ठीक है, तो फ्रिंज साफ दिखाई देगी एक बार, या यू पूछा जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देने की दो शर्तें लिखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो स्पष्ट कब होगा जब फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी, फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा कब होगी जब पर्दे की दूरी ज्यादा होगी, तो अब क्या लिखना है, नंबर एक बीटा समानुपाती कैपिटल डी, इसका मतलब स्पष्ट व्यतिकरण के लिए पर्दे की दूरी अधिक होनी चाहिए, दूसरा बीटा समानुपाती लैम्डा, इसका मतलब स्पष्ट व्यतिकरण के लिए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा क्या होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग लंबाई, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होनी चाहिए, तीसरा बीटा व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल डी, और स्मॉल डी क्या है दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, इसका मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बीटा ज्यादा कब होगा जब ये कम होगा, तो इसका मतलब स्पष्ट व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए दोनों स्लिट के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, आगे समझे, ये तो इसकी आवश्यक शर्तें हैं जो हम बाद में लिखेंगे। एक बात और हम इसमें कर लेते हैं कि संकोषी कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कह देते हैं संकोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां भी लिखिए, तो आपको दोनों बतानी है, ठीक है, उसको और कर लेते हैं, उसको मिटा दूंगा, तो विनाशी के लिए विनाशी वाली स्थिति लगानी है बस और कुछ नहीं करना, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा पथांतर क्या होता है, पथांतर होता है 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय, हमने पथांतर क्या निकाला है वाई डी अपॉन डी, तो समीकरण चार से क्या देगा y d upon capital D is equal to 2n plus 1 into lambda by 2, हमें तो वही विस्थापन निकालना है, तो y बराबर क्या देगा
2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू ये d इधर आएगा और ये स्मॉल d इधर भाग में आ जाएगा, आ गया। अब ये जो समीकरण आई है ये कौन सी फ्रिंज के लिए n आ रहा है, इसके अंदर कौन सी फ्रिंज के लिए है, nवीं फ्रिंज के लिए। लेकिन सम विनाशी में आप लिखना है पहले कि जब विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है तो काली फ्रिंज बनती है, ठीक है, काली फ्रिंज बनती है। तो समीकरण 8 जो है वो किसको व्यक्त कर रही है, समीकरण 8 एनवी काली फ्रिंज के विस्थापन को व्यक्त करती है। क्लियर। अब अपना क्या चाहिए, अंतर चाहिए ना, दो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई चाहिए, दो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई कैसे निकालें, पहले पहली की निकाल लो फिर दूसरे की निकाल लो फिर दोनों का विस्थापन का अंतर ले लो। तो n बराबर 1 के लिए प्रथम काली फ्रिंज के लिए विस्थापन क्या आएगा, y1 बराबर वैल्यू पुट कर दें, यहां 1 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो n का मान 1 रखें, 1 रखेंगे तो 2+1 कितना हो गया 3 बटे 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, समीकरण नंबर 9। और n बराबर 2 के लिए दूसरी काली फ्रिंज के लिए y2 बराबर 2 रखोगे तो 2×2 कितना हो गया 4 में जोड़ेंगे 5 बटे 2 लैम्डा डी अपॉन डी। अब अपने को निकालनी है फ्रिंज चौड़ाई, चाहो तो दोबारा यहां लिख सकते हो कि फ्रिंज चौड़ाई क्या है, क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई, दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई भी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, चाहे चमकीली ले ले चाहे काली ले ले, रिजल्ट वही आएगा। तो क्या लिखेंगे y2 - y1, y2 का मान क्या है 5/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी और y1 का मान क्या है 3/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। देखो 5/2 क्या होता है 2.5 और 3/2 क्या होता है 1.5 और 2.5 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 2.5 में से 1.5 गया तो कितना बचा 1, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। सिंपल वैसे भी आप कॉमन ले लो फिर 2 का लघुत्तम ले लो वैसे कर लेते हैं कैसे भी कर ले। तो रिजल्ट β = क्या आएगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये देखो ये फॉर्मूला देख लो समीकरण 10 और समीकरण 7, समीकरण 10 व 7 किसको व्यक्त कर रही है, समीकरण 7 व 10 फ्रिंज चौड़ाई को व्यक्त करती है। अब इसके निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो पूछे जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है पूरा। अगर आपको कहा जाए फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक याद कीजिए तो आप देखो यहां तक कर सकते हो, लेकिन अगर ये कह दिया संपोषी और विनाशी की स्थितियां समझाइए तो आपको संपोषी भी करनी है और विनाशी भी करनी है, ठीक है, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई तो आप संपोषी से निकालेंगे तो भी वही आएगी, विनाशी से निकालेंगे तो भी वही आएगी। तो अगर ये कहा गया केवल फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक याद कीजिए तो एक से निकाल के हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर साथ में ये भी कह दिया जाता है कई बार कि संपोषी और विनाशी की स्थितियां भी समझाइए तो फिर हमें दोनों ही समझानी पड़ेगी। निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ से, निष्कर्ष यहाँ से निकल रहा है कि नंबर 1 बीटा समानुपाती लैम्डा लिख लेंगे आप, क्या लिखोगे कि फ्रिंज चौड़ाई का मान आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है, अतः व्यतिकरण स्पष्ट होने के लिए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होनी। दूसरी बात बीटा समानुपाती कैपिटल डी यानी ये पर्दे की दूरी के समानुपाती होता है तो पर्दा अधिक दूरी पे होना चाहिए। और तीसरा बीटा व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल डी यानी फ्रिंज चौड़ाई का मान स्लिट S1 S2 के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी कम से कम रखनी चाहिए। अगली बार समझें तो इस तरह से ये हम करना है पूरा, इसको आप समझ लें लिख के देख लें, रफ कॉपी पे एक आध बार समझ के अच्छी तरह से बिना देखे लिख के देख लें और प्रैक्टिस कर लें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बड़े क्वेश्चन में आने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर काफी बनते हैं, आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है यहाँ से लैम्डा का डी का और स्मॉल डी का मान देते हैं फिर थोड़ा जा सकते हैं।
प्रिंट चौड़ाई दे दें, बाकी दो वैल्यू और दे दें, तो कोई भी तीसरी वैल्यू पूछी जा सकती है। यानी एक समीकरण में एक मान पूछा जा सकता है, बाकी मान आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा संपोषी विनाशी की स्थितियां अलग से पूछ लेते हैं। संपोषी में पथांतर कितना होता है, विनाशी में कितना होता है, एन लैम्डा टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू, ये बातें याद रहनी चाहिए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है भी, एक ये बात इसका ये रिजल्ट एन वी फ्रिंज के लिए, इसके लिए पथांतर वैसे हम पहले लिख चुके हैं, फिर भी इसका रिजल्ट ये, ठीक है, एक ये रिजल्ट, एक ये तीनों बातें और इनकी थ्योरेटिकल निष्कर्ष, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूरा पूछा जाता है, तब हमें शुरू से लास्ट तक पूरा सॉल्व करना होता है, ठीक है। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसके लिए रिवाइज कर लें।